कांग्रेस नेता आदित्य दीक्षित एवं पुलिस के संरक्षण में चल रहा कबाड़ियों का अवैध कारोबार, जांच के नाम पर प्रशासन मौन। कोटा शहर सहित और अन्य जगहों पर बेखौफ चल रहा गोरख धंधा। कोटा नगर पंचायत में कई जगहों पर कबाड़ियों का अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस इन कबाड़ियों के दुकानों की जांच एवं कार्रवाई करने गंभीरता नहीं दिखा रही है। कांग्रेस नेता आदित्य दीक्षित एवं पुलिस के संरक्षण में चल रहे दुकान से कबाड़ी अवैध कमाई कर मालामाल हो रहे हैं। कोटा शहर सहित कई स्थानों पर कबाड़ी का दुकान संचालित हो रहा है। इन दुकानों में चोरी के सामान सहित अन्य संदिग्ध सामानों के आसानी से खरीदी बिक्री होने की लगातार जानकारी सामने आती है, लेकिन पुलिस के पास इन दुकानों की जांच करने फुर्सत नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकांश कबाड़ी दुकान कांग्रेस नेता आदित्य दीक्षित पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। इस व्यवसाय में पुलिस और प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं है। मजेदार बात यह है कि कोटा नगर में एक दर्जन से भी अधिक कबाड़ के व्यवसायी हैं, जो बेरोक टोक बेखौफ कारोबार कर रहे हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होने से कबाड़ी बिना सत्यापन के साइकिल, मोटरसाइकिल एवं अन्य चोरियों के सामान को बेधड़क खरीद रहे हैं। दिन दहाड़े सार्वजनिक स्थानों से साइकिल और बाइक चोरी की घटना होती है। साइकिल चोरी होने पर अमूमन लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, क्योंकि पुलिस इसे छोटा मामला बताकर ध्यान नहीं देती। बाइक चोरी की रिपोर्ट तो लिखी जाती है, लेकिन अक्सर ये वापस नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि चोरी की साइकिल और बाइक के कल पुर्जे को अलग अलग कर कबाड़ में बेच दिया जाता है। इसके अलावा इस धंधे में लोहे के सामान, घरेलू उपयोग के सामान सहित कई कीमती सामान, पानी के मोल कबाड़ी अपने दलालों के माध्यम से खरीद कर करोड़ों कमाते हैं। मतलब तो अवैध नहीं है, यदि अवैध रूप से कोई जो है शासन की संपत्ति है और किसी तरीके से चोरी का माल वगैरह का यदि कबाड़ का कोई काम करता है तो गैर कानूनी है। और यहाँ तो कबाड़ियों का व्यवसाय फल फूल रहा है। कोटा में जुआ, सट्टा, शराब और कबाड़ इस टाइप का जो धंधे हैं, ये अवैध गैर कानूनी है। इसमें तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। और ये इस तरीके का यदि कोई बात आती है तो इसमें प्रशासन को संज्ञान में लेकर इस पर उचित वैधानिक कार्रवाई करके इसमें रोक लगाना चाहिए। जहाँ तक थाना आना का कबाड़ का सवाल है तो उसमें नियम और बने हुए हैं कि भाई यदि वो मतलब गिरफ्तारी करने का है, योग्य है, तो उसको कबाड़ का निपटारा पुलिस अपने नियमों और रेगुलेशन के अनुसार करती है। ये मेरा कहना है। जानकारी मिला कि थाना प्रभारी के नहीं होने की वजह से भी ऐसा हो रहा है, ऐसा जानकारी अभी वर्तमान में टू स्टार बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि कोटा अफसरों की प्रयोगशाला है। यहाँ पे नए 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 अफसर आ जाते हैं जो अनुभव कम रहता है और बड़े बड़े थाने में आते हैं बावजूद इसके, और ऐसे चाहे राजस्व प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, तो उन पर अनुभव ज्ञान की कमी रहती है और ना ही वो किसी से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, अपने मूड और मिजाज से काम करते हैं। ये कोटा का मतलब दुर्भाग्य है कि यहाँ के अच्छे अच्छे अफसर आना नहीं चाहते या आने के बाद यहाँ कोई काम नहीं करना चाहते। मेरा नाम सतीश जोशी, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ कोटा और पार्षद वार्ड क्रमांक 3। बिलासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।